निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी ये मुलाकात दोनों देशों के नेताओं की, क्योंकि ये इस साल की पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन को सत्ता संभाले डेढ़ साल के करीब हो रहे हैं और इस डेढ़ साल में दो बार आमने सामने की मुलाकात में मिल चुके हैं, फोन पर कई बार चर्चा हो चुकी है और वर्चुअल मुलाकातों में भी दोनों नेताओं के बीच में संवाद हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण होगी ये दोनों नेताओं की बातचीत, क्योंकि ये मुलाकात तय करेगी कि किस तरीके से भारत और अमेरिका की साझेदारी आगे बढ़ेगी और साथ ही क्वाड का ड्राइविंग फोर्स यानी क्वाड का इंजन कैसे काम करेगा, क्योंकि ये दोनों नेता तय करते हैं कि ये दोनों देश जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र भी हैं और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी, ये किस तरीके से इस पूरे व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। जाहिर तौर पर तो यही तमाम बातें जिनका जिक्र लगातार हम एबीपी न्यूज पर कर रहे हैं। हमारे खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आरती टिक्कू जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। जिस तरह से बात यहां पर प्रणय भी कर रहे थे कि दो महत्वपूर्ण देश इस लिहाज से कि एक पुराना सबसे पुराना लोकतंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो जिस तरह से आज ये बैठक होने जा रही है, आप इसे कैसे देख रही है? जब दोनों नेता मिलेंगे एक मंच पर, आमने सामने होंगे, इस साल की पहली मुलाकात, क्या निकल कर सामने आएगा? देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्वाड फॉर्मेशन जो है अभी तक का जो इसका रहा है स्टेटस, उससे निकला क्या है। मुझे नहीं लगता है कि क्वाड की वो स्टेटस होगी जो ऑकस की है। फॉर एग्जांपल, ऑकस बना ही इसलिए क्योंकि क्वाड मिलिटरली एक ग्रुप नहीं बन सकता है उस तरह से, ना यूएस देख रहा है ना ही ऑस्ट्रेलिया, और इसीलिए उन्होंने यूके को शामिल करके ऑकस बनाया। दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक टफ नेगोशिएटर है, एक हार्ड नेगोशिएटर है। वो अपने टर्म्स पे जियोपॉलिटिक्स खेलते हैं, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को समझते हैं। इसी कारण से मुझे लगता है कि वो अपनी शर्तें रखेंगे। अगर तो कंप्लीट जो एक्सपेक्टेशन है यूएस की कि पूरा सपोर्ट मिले इंडिया की तरफ से चाइना के अगेंस्ट इंडो पैसिफिक में, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हिपोक्रेसी जो यूएस की है। देखिए, यूक्रेन में वॉर हुआ, रशिया ने अटैक किया, तो उन लोगों ने रशिया पे इतने ढेर सारे सैंक्शंस लगाए। चाइना ने अटैक किया इंडिया पर, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई सैंक्शंस नहीं लगे चाइना के खिलाफ, एक वर्ड ऑफ कंडेमनेशन नहीं निकला यूएस के मुंह से कि चाइना को एग्रेसर करार दिया जाए। कोई भी सैंक्शंस चाइना पे नहीं लगे हैं आज तक। पाकिस्तान को देखिए, पिछले 75 इयर्स में पाकिस्तान ने कंटिन्यूअसली इंडिया पे 4 अटैक किए, वॉर किए, और पिछले 35 साल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में और बाकी जगह पाकिस्तान की वजह से। कोई सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए पाकिस्तान पे? बिल्कुल नहीं। चाइना पे? बिल्कुल नहीं। तो इंडिया जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप के अंडर ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करेगा क्वाड के साथ, जहां पे इंडिया की जो एक अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन पॉलिसी में, वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो मुझे लगता है कि इस क्वाड समिट से बिल्कुल मैं मानती हूं कि इंडिया कोऑपरेट करेगा। बहुत चीज़ें जहां पे इंडिया कर सकता है, ट्रेड हुआ या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई या बाकी सारी चीज़ें हुई, उसमें इंडिया का पूरा समर्थन होगा। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं कि चाइना को जिस तरह से यूएस कह बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की है कि चाइना के खिलाफ, लेकिन अहम जो एक्शन है ग्राउंड पे वो यूएस की या क्वाड ग्रुप की या किसी भी और समिट की, वो वहां से हमको नहीं दिख रही है। पूर्णिया सिटी जानी ना? पूर्णिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।